आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस महिलाओं में पाने जाने वाली एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। हम लोग के पास जो महिलाएं इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आती हैं उनमें लगभग 40% केसेस में एंडोमेट्रियोसिस होता है। और जो महिलाएं क्रोनिक पेल्विक पेन के साथ में आती हैं, मतलब जिनको बहुत लंबे समय से पेल्विक रीजन में पेन रहता है, उनमें लगभग 20% केसेस में एंडोमेट्रियोसिस होती है। अभी एंडोमेट्रियोसिस होती क्या है? जो आपकी बच्चेदानी होती है, यूट्रस में तीन लेयर्स होती हैं। सबसे पहले लेयर को हम लोग सीरोसा कहते हैं। इसके अंदर मायोमेट्रियम होती है और सबसे अंदरूनी परत, इसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब महावारी आती है तो हर महावारी के साथ में ये अंदरूनी परत यानी कि एंडोमेट्रियम महावारी के ब्लड के साथ में शेड हो जाती है। जब ये एंडोमेट्रियम शरीर में यूट्रस के अंदर की के साथ साथ बॉडी में कहीं और भी मौजूद है, तब इसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। यह एंडोमेट्रियम पेट में कहीं भी हो सकती है, जैसे कि आपकी आंतों के ऊपर, आपकी पेशाब की थैली या ब्लैडर के ऊपर, पेशाब की दोनों नलियां या यूरेटर्स के ऊपर, या फिर आपकी ओवरी में, जिसे हम इसको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। ये भी एक तरीके की एंडोमेट्रियोसिस ही है। अभी एंडोमेट्रियोसिस होती क्यों है? आप सभी जानते हैं कि जब महीना आता है तो ये एंडोमेट्रियम यानी कि ये बच्चेदानी की परत ब्लड के साथ में बाहर आती है। लेकिन एक मेन थ्योरी है कि एंडोमेट्रियोसिस क्यों होती है। इसमें हम लोग कहते हैं कि रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, मतलब कुछ ब्लड जो आपका बच्चेदानी के रास्ते बाहर आना चाहिए, इनमें से कुछ ब्लड ये ट्यूब्स के रास्ते होते हुए पेट में पहुँच जाता है और इस ब्लड के साथ में कुछ एंडोमेट्रियम भी पेट में चली जाती है और यही एंडोमेट्रियम आपके पेट के अंदर ग्रो करने लगती है। ये अगर पेशाब की थैली या आंतों के ऊपर ग्रो करती है तो यहाँ पे ये एंडोमेट्रियोसिस बनाती है। अभी एंडोमेट्रियम अगर आपके पेट के अंदर है तो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है? जब महीना आता है तो ये अंदर के एंडोमेट्रियम, ये जो बच्चेदानी के एंडोमेट्रियम है, इसमें ब्लीडिंग होने की शुरुआत होती है और ये ब्लीडिंग, ये एंडोमेट्रियम वेजाइना के रास्ते बाहर आ जाती है। लेकिन जो एंडोमेट्रियम पेट के अंदर है उसमें भी ब्लीडिंग होती है और ये इस ब्लड को बाहर निकलने का कहीं रास्ता नहीं मिलता, इसलिए ये ब्लड पेट के अंदर जमा होने लगता है। अब ये ब्लड या तो इकट्ठा होके सिस्ट का फॉर्म ले लेता है या फिर ये ब्लड अपने साथ और ऑर्गन्स को चिपका के एडेशंस बना लेता है। तो ये एडेशंस या सिस्ट, ये बेसिकली एंडोमेट्रियोसिस की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा एडेशंस होंगे उतनी ज़्यादा सीवियर एंडोमेट्रियोसिस होगी। तो ये एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली किन में ज़्यादा मिलती है? जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं होती हैं, यानी कि 25 से 40 उम्र की जो महिलाएं होती हैं, उनमें ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। और जो महिलाएं इनफर्टाइल होती हैं, मतलब जो निसंतान होती हैं, निसंतान महिलाएं होती हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है। अब किन महिलाओं में ये एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है? जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं हैं, यानी कि 25 से 40 साल की जो महिलाएं हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन पाई जाती है। दूसरा, जो महिलाएं इनफर्टाइल होती हैं, यानी कि जो निसंतान महिलाएं हैं, उनमें भी ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। अब ये एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स क्या आएंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है? तो इसका पहला लक्षण होता है कि आपको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होना। अभी बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, लेकिन इसका जो दर्द है ये पीरियड शुरू होने के 2-3 दिन पहले से शुरू हो जाता है और पीरियड के दौरान ये पूरे पीरियड आपको बहुत सीवियर पेन करता है और पीरियड ख़त्म होने के 2-3 दिन बाद भी आपको दर्द रहता है। यानी कि पीरियड से पहले, पीरियड के दौरान और पीरियड के बाद भी जो दर्द रहे वो अक्सर एंडोमेट्रियोसिस का हो सकता है। दूसरा, आपको पीरियड के दौरान बहुत हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, आपको पीरियड्स के में ब्लड के साथ में क्लॉट्स आ सकते हैं। दूसरा सिम्टम होता है कि जब आप अपने हस्बैंड से रिलेशन बनाते हैं, यानी इंटरकोर्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होना। तीसरा लक्षण है कि अगर ये एंडोमेट्रियोसिस अगर बॉबल के ऊपर है, यानी आपकी आंतों के ऊपर है, तो आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। साथ ही आपको जब डिफिकेट करोगे, मतलब जब मोशन पास करोगे, तो ये बहुत पेनफुल हो सकता है। अगर ये एंडोमेट्रियोसिस ब्लैडर के ऊपर है, यानी कि पेशाब की थैली के ऊपर है, तब आपको यूरिन पास करने के दौरान भी बहुत पेन हो सकता है। तो बेसिकली सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि ये एंडोमेट्रियोसिस कितनी सीवियर है और कहाँ लोकेटेड है। अब एंडोमेट्रियोसिस में इनफर्टिलिटी क्यों कॉमन होती है?
आपको जैसे मैंने बताया कि जो ब्लड पेट के अंदर गिरता है ये बाकी ऑर्गन्स को अपने साथ चिपकाने लगता है और एडहेशंस बना लेता है। जब ये एडहेशंस बनते हैं तो ये ट्यूब्स को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है। तो जब एंडोमेट्रियोसिस में ट्यूब्स इन्वॉल्व हो जाती हैं तो ये भी एक इनफर्टिलिटी का कारण होती है। दूसरा कि जैसे मैंने बताया कि अगर एंडोमेट्रियोसिस आपके यूट्रस के पीछे की लेयर में चला जाए तो जब आप हस्बैंड से रिलेशन बनाओगे तो ये जो रिलेशन होता है बहुत पेनफुल हो जाता है। तीसरा, अगर ये एंडोमेट्रियोसिस ओवरी में होता है तो इसको हम लोग चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट जब बढ़ता है तो ये आपके ओवरी के शेष अंडों को नष्ट करने लगता है, जिसके कारण आपके अंडे नहीं बनते और कम हो जाते हैं। तो इन्हीं सब कारणों से ये महिलाएं इनफर्टाइल हो जाती हैं। अब अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को कैसे पता लगता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है? तो सबसे पहले तो आपकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे मैंने बताया कि आपको जब पेनफुल पीरियड्स की हिस्ट्री है, ख़ास तौर से ये पेन जब आपको पीरियड से पहले, पीरियड के दौरान और पीरियड के बाद बना रहता है, और अगर आपका हस्बैंड के संग रिलेशनशिप ये पेनफुल है तो हम ये सोच सकते हैं कि शायद आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। साथ में अगर ये महिला इनफर्टाइल भी है तो ये सस्पिशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर दूसरा, जब हम लोग आपका एग्जामिनेशन करते हैं यानी कि पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, तो ये जो इंटरनल एग्जामिनेशन होता है ये एंडोमेट्रियोसिस के साथ में बहुत ही पेनफुल हो जाता है, क्योंकि यूट्रस के पीछे जो एंडोमेट्रियोसिस की गांठें होती हैं ये जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो ये बहुत पेन करती हैं। साथ ही ये गांठें हमें फील हो जाती हैं, हमें नोड्यूलरिटी फील होती है आपकी यूट्रस के पीछे। अब इसके लिए हम लोग टेस्ट क्या क्या कर सकते हैं? तो बेसिकली तीन टेस्ट, USG, MRI और लेप्रोस्कोपी, जो इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो USG में हम लोग को एडहेशंस नहीं पता लगते, अल्ट्रासाउंड में केवल हम लोग को तभी पता चलता है जब ये कोई सिस्ट का फॉर्म ले लेती है, जैसे कि ओवरी में चॉकलेट सिस्ट, ये सिस्ट हम लोग अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देख सकते हैं। MRI के द्वारा भी एंडोमेट्रियोसिस की जांच हो सकती है, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू के लिए एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है और एंडोमेट्रियोसिस इससे बहुत अच्छे से डायग्नोस हो सकती है। लेकिन इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है लेप्रोस्कोपी, यानी दूरबीन विधि से ऑपरेशन। इस विधि में हम दूरबीन से आपके पेट के अंदर देखते हैं और हमें ये एंडोमेट्रियोसिस साफ नज़र आ जाती है। इसमें अगर हमको कहीं एंडोमेट्रियोसिस के स्पॉट्स दिखाई देते हैं तो उन्हें हम साथ के साथ जला सकते हैं या एब्लेट कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट आपका ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें हम उन्हीं एंडोमेट्रियोसिस के स्पॉट को जला पाते हैं जो हमें आंखों से दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्पॉट्स होते हैं जो हमको नहीं दिखाई देते और बाद में ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कभी कभी लोगों में डर होता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा एडिशंस बन जाते हैं कि जब सर्जरी करते हैं तो पेट के अंदर का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही नज़र आता है जैसे किसी कैंसर पेशेंट में नज़र आता है, क्योंकि सब चीज़ें आपस में चिपकी होती हैं, इसलिए ये सर्जरी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये कैंसर नहीं है, आपके लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस का कोई परमानेंट मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि हर महीने ओवरी से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और ये एंडोमेट्रियम ग्रो होती है। ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक महिला को मेनोपॉज नहीं आ जाता, इसलिए हमें कभी कभी सीवियर कंडीशंस में आपकी ओवरीज को निकालना पड़ता है। तो मेरी ये राय है कि जो महिलाएँ इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, जिनको एंडोमेट्रियोसिस है और साथ में जो इनफर्टाइल भी हैं, उन्हें समय रहते अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती है आपके ओवरी के फॉलिकल्स कम होने लगते हैं, आपकी ट्यूब्स की कंडीशन ख़राब होने लगती है, और बाद में सीवियर कंडीशंस में जब आप IVF के थ्रू आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को आपकी ओवरी में से इनफ एग्स भी नहीं मिल पाते। इसीलिए समय रहते इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है।